शुरुआत दिन से ही आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल और हमने लगातार जनसेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, और अगर कोई कमी छूट गई होगी तो उसके लिए भी हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको सुधार करके हम आगे बढ़ें और आप लोगों की इसी प्रकार से सेवा करते रहें। और सोशल मीडिया में जितने भी साथी जो लोग जुड़े हैं उन सबको हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने लगातार गरीबों के हित में काम किया है और आज हम विपक्ष में हैं, गरीब के सम्मान सुरक्षा में अगर कोई कमी रह जाए तो उनके साथ खड़े होकर के संघर्ष करेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और अभी जो उज्ज्वलंत मुद्दे हैं, एक विपक्ष होने के नाते लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो है सरकार से कई एक आध सवाल पूछे हैं, लेकिन मुझे जैसी उम्मीद थी कि ये सरकार जो है किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी, हालांकि वही किया, जवाब तो नहीं दिया लेकिन गाली देने में कोई कमी नहीं छोड़ी सरकार के लोगों ने। और गाली दिलाने का काम दूसरा और कोई नहीं, बिहार के आदरणीय माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गाली दिलवाने का काम राष्ट्राध्यक्ष लालू जी को हो या मेरे को हो। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा इन सब पे एकदम ध्यान नहीं है, कौन कितना गाली देता है बुरा भला कहता है आप कहो, जितना मन भर करके कहना है कहो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को भी तो निभाओ। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आज बिहार में 8 करोड़ से 9 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं, भूखे लोग मर रहे हैं, किसान तबाह है, मजदूर को भी आप गाली दे रहे हो, बोलते हो कि आएंगे मजदूर जितने हैं अपराध बढ़ेगा, वो अपराधी हैं, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। हालांकि सरकार में बैठे हुए लोग गो की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि गरीबी को मिटाएं, बेरोजगारी को दूर करें, किसान को सम्मान दे, सही व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा हो स्वास्थ्य हो। और हमने तो लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल पूछा है, विकास को लेकर के सवाल पूछा है, सरकार के 15 साल को लेकर के सवाल पूछा है, लेकिन जवाब उसका नहीं मिलता। चाहे हम किसान की बात कर रहे हों, मजदूर की बात कर रहे हैं, नौजवान बेरोजगार भाइयों की बात कर रहे हों, अभी सिपाही बहाली में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है इस पे सरकार जवाब नहीं देती, शिक्षक जो है वो परेशान है, उनके साथ जो है नाइंसाफी की जा रही है। हालांकि ये सरकार जो है इससे हमें उम्मीद कमी थी। और आप देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को कल जो है 90 दिन हो जाएगा, 90 दिन तक पता नहीं, 1 मार्च से वो निकले नहीं है अभी तक। बड़ा सवाल एक उठता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, गुमनाम है, गुमशुदा है, कहाँ गायब है लोगों को पता नहीं चल पाता, एक अन्य मार्ग में कहाँ छुप के बैठे हैं। बिहार की जनता खोज रही है कि गरीबों का सहारा बनो सरकार, गरीबी को दूर करो, बेरोजगारी को मिटाओ, किसानों को सम्मान दो, मजदूरों को सम्मान दो, लेकिन ये सरकार जो है अपने आलिशान मुख्यमंत्री आवास से बाहर नहीं निकल पा रहे। लोगों की फिक्र नहीं है, लोगों की चिंता नहीं है इनको, लोगों का भूखों का गरीबों का पेट नहीं भरना, बल्कि ये लोग अपना सत्ता का भूख मिटाना चाहते हैं और केवल अकेवल भाषणबाजी कर रहे हैं। चाहे बीजेपी के लोग हों या जनता दल यूनाइटेड के लोग हों, केवल अकेवल भाषण। आप लोगों ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है एक नेता विपक्ष के रूप में, नेता विरोधी दल के रूप में, प्रतिपक्ष का नेता हूँ मैं अभी बिहार विधानसभा में, तो हमारी जिम्मेदारी है
कि हम सरकार से जो है सवाल पूछें, और सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर कोई विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो उसका सीधा उत्तर दें। लेकिन वो सीधा उत्तर ना दे करके अपने लोगों से गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप गाली दीजिए, लेकिन गरीबों का तो काम करो, गरीबों को तो सम्मान दो। आप मजदूर को क्यों गाली दे रहे हो? आप मजदूर को क्यों अपराधी बोल रहे हो? जो बोलना है मेरे को बोलो। लेकिन 90 दिन हो जाने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री अभी भी अपने आलीशान मकान में आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं। देखिए, ज़्यादा कुछ उम्मीद तो कम है। आप लोग सब लोग जानते हैं, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, 15 साल में बिहार जो है बदहाल हो चुका है। हमारे बिहारी भाई परेशान हो चुके हैं इस मौजूदा सरकार से। मैं सीधा सवाल नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, कुछ सवाल हैं। मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, पर्सनल बातें नहीं बोल रहा। मेरे जो सवाल हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इसका तो कम से कम सीधा उत्तर दे दें। अगर आपने 15 साल में कुछ काम किया है तो 15 साल का आप जवाब तो दीजिए। हमारे ऊपर जो है हम सवाल पूछते हैं। पहला सवाल जो है, सरकार बताए कि 15 वर्षों में कुल कितनी नौकरियां लोगों को दी है। साधारण सा सवाल है, और मेरे को लगता है कि हर एक बिहारी, हर एक नौजवान जानना चाहता है कि बिहार में 15 सालों में कितने लोगों को रोजगार इस डबल इंजन की सरकार ने दिया है। सीधा सवाल, और उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब आपको दे दे, जनता को दे दे। हमारा दूसरा सवाल है कि 15 वर्षों में कुल कितनी नियुक्तियां हुई हैं, उसका ब्यौरा दे, जिलावार और जातिवार। जिलावार और जातिवार कुल कितनी नियुक्तियां, अगर सरकार ने नौकरियां दी हैं, नियुक्त किया है, तो उसका जातिवार और जिलावार जो है आंकड़ा आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने पेश करें। मेरा तीसरा सवाल होगा कि 15 वर्षों में कुल कितने बेरोजगार ने रोजगार निबंधन कार्यालय में पंजीकरण कराया है। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा मुश्किल सवालात होंगे। अगर सरकार ने रोजगार दिया है तो, पंजीकरण करवाया है तो। सीधा सवाल मेरा तीसरा है कि 15 वर्षों में कुल कितने बेरोजगारों ने रोजगार निबंधन कार्यालय में अपना पंजीकरण कराया है। मेरा चौथा सवाल है, 15 वर्षों में कुल कितना पलायन हुआ है। जो दृश्य हम लोगों के सामने है, लाखों लाख की संख्या में, जिसका ठीक से हिसाब सरकार के पास भी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि पैदल चल करके लोग जो हैं वो बिहार लौटे हैं। सरकार ने कोई मदद नहीं की, बल्कि प्रताड़ित करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। मैं चाहता हूं कि सरकार जवाब दे। मेरा चौथा सवाल है कि 15 वर्षों में कुल कितने पलायन हुए। मेरा पांचवा प्रश्न है, 15 वर्षों में बिहार में कुल कितने उद्योग और कल कारखाने लगे हैं। कितने उद्योग और कल कारखाने 15 वर्षों में लगे हैं, ये सरकार से उम्मीद करती है। और मेरे ख्याल से यही है मुद्दे। मेरे को गाली देना मुद्दा नहीं, मेरे को गाली दे करके बिहार का भला नहीं होने वाला है। भला होगा बिहार के लिए काम करना। तो हम चाहेंगे कि 15 साल में बताएं नीतीश कुमार जी, 15 वर्षों में जो जनता ने आपको दिया, कुल कितने कारखाने आपने लगाए, उद्योग लगाए। जनता जानना चाहती है,
मेरा छठा सवाल होगा कि 15 वर्षों में पहले से चालू कितनी चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल एवं दूसरे उद्योग और कारखाने बंद हुए। जो पहले से चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल जो बिहार में चल रहे, 15 सालों में कितने चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल जो है बंद हुए और उससे बिहार को कुल कितना राजस्व और रोजगार हुआ, आप समझ सकते हैं। अगर बंद हुआ तो सरकार का राजस्व में भी कमी हुई और रोजगार जो उनको था वो भी बेरोजगार हुए। तो इसका आंकड़ा सरकार को देना चाहिए। मेरा छठा सवाल था, साफ है कि जितने भी मिलें हैं, चाहे पेपर मिल हो, जूट मिल हो, चीनी मिल हो, कितने 15 साल में कितनी चीनी मिलें बंद हुई, कितने जूट मिलें बंद हुई, कितने पेपर मिलें बंद हुई, सरकार बताए। और बंद सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ होगा, कितना नुकसान हुआ राजस्व का, जिनको रोजगार था उनका रोजगार छीन लिया, कितने लोगों का रोजगार छीना, ये सरकार बताए। मेरा सातवां सवाल होगा कि 15 वर्षों में बिहार से कितने लाख करोड़, पिछले 15 वर्षों में बिहार से कितने लाख करोड़ शिक्षा और चिकित्सा के नाम पे दूसरे प्रदेशों में ये पैसा गया, कितना करोड़ों करोड़, लाखों करोड़ रुपया जो बिहार हमारे छात्र जो है दूसरे प्रदेश पढ़ने जाते हैं, कितना पैसा बिहार का जो है बाहर खर्च हुआ, कितना जो है इलाज कराने जो बाहर जाते हैं दूसरे प्रदेश जाते हैं कितना खर्च हुआ, ये सरकार बताए, बताना पड़ेगा। ये जनता जानना चाहती है, ये मुद्दे के सवाल है। और मेरा आखिरी सवाल होगा कि बिहार के मानव संसाधन में का कुल कितने प्रतिशत बिहार में और दूसरे प्रदेशों में कार्यरत है। मैं फिर से दोहराता हूं मेरा आखिरी सवाल, बिहार के मानव संसाधन का कुल कितने प्रतिशत बिहार में और दूसरे प्रदेशों में कार्यरत है। मैंने 8 सवालें पूछी हैं सरकार से और ये है रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, उद्योग को लेकर के, कारखानों को लेकर के, गरीबों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, किसानों को लेकर के। ये हमारी जो सवाल है ये हम नहीं, हम तो एक माध्यम है, ये बिहार की जनता पूछना चाहती है आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि आपने 15 साल में क्या किया है।